So let's ask Mr. Mehmood Deshmukh, Aam Aadmi Party ke Mehmood Deshmukh sahab. Mehmood Deshmukh sahab, namaskar. Namaskar sir, namaskar. Deshmukh sahab, namaskar. बड़े दिनों के बाद. धन्यवाद. देशमुख साहब ये बताएं, अली दारूवाला साहब भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ थे पूना से, पूना के माइनॉरिटी सेल के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं. उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए 500 पार जी, 2024 में मोदी जी की 500 सीट आएगी. सर आपने तो बंद ही कर दिया अपना. हाँ सर, आपको सुनाई दे रही है आवाज आ रही है जी? तो 500 पार इस बार मोदी जी. आप दिखाई नहीं दे रहे सर, वो आप कहाँ है? अरे भाई, मेहमूद देशमुख साहब को हम लोग दिखाई नहीं दे रहे, जरा कृपा करके उसको करेक्ट करें. लेकिन आप जवाब दीजिए, आप आपको हम देख सकते हैं सर. आपने काला कुर्ता पहना हुआ, बहुत बढ़िया काला कुर्ता है, काला शर्ट पहनी है. जी 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 बताएं, इस बार 500 बार बोलिए सर, बोलिए. सभी को अपनी अपनी राय रखने का अधिकार है जी. ये 500 भी कह सकते हैं, कल ये 700 भी कह सकते हैं, ये 1000 भी कह सकते हैं, भी कह सकते हैं, है ना. लोकतंत्र में सभी को अधिकार दिया हुआ है, और खास करके तो इनको छूट है, ये कुछ भी बोल सकते हैं. ये आने वाला कल बताएगा कि कौन 500 पार जाता है या इसके 500 कम हो जाते हैं. ये बताएं, मैं समझता हूँ कि जी 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 ये आप बोल रहे हैं, मैं हाँ, वास्तविकता को सामने रखते हुए बात करनी चाहिए. और ये एक तो ये सच्चाई है कि मैदान जंग में जब कोई उतरता है तो यही कहता है कि मैं जीत रहा हूँ, है ना. वो ये नहीं कहेगा कि मैं हार रहा हूँ जी. और इनकी बौखलाहट, इनकी हड़बड़ाहट आप समझ सकते हैं. आज एक प्रधानमंत्री को हर जिले में असेंबली लेवल पे भी तो एक प्रधानमंत्री को ही जाना पड़ रहा है जी. या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो मतलब असेंबली लेवल का प्रोग्राम अटेंड करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम अटेंड करे. सोलापुर जाना हो तो प्रधानमंत्री, नासिक जाना हो तो प्रधानमंत्री, या किसी और शहर में जाना हो तो प्रधानमंत्री. इसका मतलब ये हुआ सिवा नरेंद्र मोदी के इनके पास कोई काबिल इंसान नहीं है. और ये हर जगह नरेंद्र मोदी ही नरेंद्र मोदी चाहते हैं, बाकी कोई नहीं चाहते. या तो मोदी जी ये चाहते हैं कि मेरे सिवाय कोई काबिल नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ. तो इनकी ये हड़बड़ाहट है, ये कोशिश कर रहे हैं. और अभी आप देखिए, मेरा मैं एज ए इंडिया अलायंस का एक मतलब आई थिंक वी लॉस्ट मिस्टर, आई थिंक ही इज गेटिंग अ कॉल, फोन कॉल जी. आपको फोन कॉल आ रही लग रहा है जी. जी बताएं सर, आप बोल रहे थे मैं एज एन इंडिया अलायंस का एक पार्टनर होते हुए जी. जी वो एक बात समझने की है कि आज अभी आपने देखा होगा वहां पे इसके आसाम में राहुल गांधी की मतलब जो न्याय यात्रा निकली है उनपे और मतलब केस रजिस्टर किया जाता है, उनको रोका जा रहा है. ये इनकी घबराहट है. हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये आज बीजेपी डरी हुई है. अगर आपको डर नहीं है, आप ये जानते हैं कि भाई हम लोग 500 सीट ला रहे हैं, तो फिर आप किसी को रोकने की कोशिश क्यों करते हैं? वहां हेमंत सोरेन को नोटिस निकाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी की नोटिस पे नोटिस आ रही है. इसका मतलब ये है कि ये डरे हुए हैं. ये सिर्फ मतलब किसी भी तरीके से डरा कर, धमका कर, कहीं ईडी का सहारा ले रहे हैं, कहीं सीबीआई का सहारा ले रहे हैं, वो इसी कहीं एसीबी का सहारा ले. अभी राजन सावी का किस्सा देखेंगे आप. तो ये हर तरीके से हर हथकंड को अपना रहे हैं क्योंकि ये डरे हुए हैं. इनको खुद को अपने आप पे भरोसा नहीं है. अगर वाकई में इनको भरोसा है कि हमने कुछ काम किया इन 10 सालों में, तो ईडी और सीबीआई का सहारा नहीं लेना चाहिए और ना इस तरीके से ये बताएं, परेशान करना चाहिए जी. महमूद इकबाल साहब ये बताएं कि हमें तो ये मालूम था कि अरविंद केजरीवाल जी जो है और आम आदमी पार्टी जो है हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है. हमने देखा पंजाब में भी, हमने देखा दिल्ली में भी, गुजरात में भी. लेकिन यहां पर जो आपके जितने भी कैंपेन थे आपकी जगह, जैसे धारावी का हो गया, उसमें आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में एक बहुत जबरदस्त आंदोलन चल रहा है. बाकी स्लम में भी जहां जहां पर आप भी अग्रसर हैं, वहां पर आपके नेतृत्व में, बाकी सब लोगों के नेतृत्व में बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है. प्रीति शर्मा मेनन जी जो आपकी प्रेसिडेंट है यहाँ की मुंबई की, उन्होंने आप सब लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया है. उसके बारे में जरा बताएं अभी क्या स्थिति है, कैंपेन की क्या स्थिति है,
और लोगों को घर मिले नहीं मिले, घर टूटने का अभी भी खतरा है नहीं है, जरा बताएं। मैं हूं देशमुख साहब। देखिए अभी ऐसा है कि धारावी की अगर बात करें, धारावी में जो हमारे वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वहाँ की लोकल लड़ाई वो जहाँ लगेगा वहाँ पे प्रदेश कांग्रेस प्रदेश कमेटी की अगर जरूरत है, प्रदेश के नेताओं की जरूरत है, कार्यकर्ताओं की जरूरत है, तो हमारी जो मुंबई की अध्यक्षा है प्रीति शर्मा मेनन जी के नेतृत्व में हम सभी उनके साथ में मजबूती के साथ में धारावी के लोगों के साथ में खड़े रहेंगे और धारावी के झोपड़पट्टी वासियों की लड़ाई हम लड़ेंगे। सिर्फ धारावी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि हम पूरे मुंबई शहर में ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, एक मांग भी रखना चाहता हूँ। जैसे मतलब वहां पे अदानी ने कहा है कि मैं 350 स्क्वायर फीट का घर देना चाहता हूँ, है ना, धारावी वालों के लिए जी। अगर 350 का क्राइटेरिया अगर धारावी के झोपड़ी धारकों के लिए है तो हम तो ये मांग करते हैं कि मुंबई शहर में जितने भी मतलब झोपड़पट्टी है जहां जहां SRA की स्कीम लागू है वहां पे भी गवर्नमेंट ने 350 स्क्वायर फीट कम से कम देना चाहिए जी। महमूद देशमुख साहब, यहाँ पर आप राम और बीजेपी का कैंपेन है, RSS विश्व हिंदू परिषद 22 जनवरी 12:22 राम आ रहा है, राम आ रहा है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 11 दिन से कंटिन्यूस एक जिस प्रकार से हम कहते हैं ऑस्टेरिटीज इंग्लिश में टोटल एक जो राम का इनवाइट करने के लिए उसके लिए खड़ा है, तो जो भी ऑस्टेरिटीज जो तपस्या करना पड़ रहा है वो सब कर रहे हैं, भूखे वो उपास है, खाते नहीं है, नारियल का पानी सिर्फ उसमें जी रहे हैं, बेड में जमीन पर सोते हैं, वो पूरे ऑस्टेरिटीज राम के लिए खड़े हैं, वो राम का इनवाइट करने के लिए राम के बुलाने के लिए एकदम खड़े हैं और पूरे ऑस्टेरिटीज मेंटेन कर रहे हैं, तो आप इस चीज को कैसे देखते हो, हाउ डू यू सी, ये एग्जाम्पल लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है? सॉरी, उनका लीडरशिप क्वालिटीज आप उसको कैसे देखते हैं? भगवान राम का इंतजार में वो हर चीज ऐसा है। देखिए ये आस्था का विषय है, मतलब प्रभु राम जी का मतलब मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है वो सारे देश में मतलब एक मतलब सारे देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन उसके साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि इस देश के सनातन वैदिक धर्म के जो सर्वोच्च मतलब धर्म गुरु है शंकराचार्य जी, जिन्होंने इन बात का मतलब विरोध किया कि भाई आप अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये शंकराचार्य जी कहते हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो धर्म के मतलब ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, ये उनका कहना है। तो मैं समझता हूँ कि कम से देखिए मतलब किसी भी धर्म की बात हो, वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हर धर्म के अंदर सिख धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, तो हर धर्म के अंदर जो धर्म गुरु होते हैं वो उसके सर्वोच्च लोग होते हैं, उनकी उनकी बात को सुनना चाहिए हमने। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीति के एक्सपर्ट हो सकते हैं लेकिन हम धर्म के एक्सपर्ट नहीं है, तो अगर हमसे कुछ गलतियां होती है तो हमको उसके हमने दुरुस्त करना चाहिए, न कि हमने शंकराचार्य जी के मतलब उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देना चाहिए कि आपका ओवैसी जी ने आपका आलोचना किया, आम आदमी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि ये RSS का विचारों पर चलने वाला पार्टी है आम आदमी पार्टी, बिकॉज वहां मोदी जी राम का इंतजार में 550 का जो कार्यक्रम बना के रखे मोदी जी करके रखे, अरविंद केजरीवाल जी सुंदरकांड का पाठ कर रहे पूरे पूरे दिल्ली में, सुंदरकांड रामायण का वो सुंदर हिस्सा है जहां हनुमान जी सीता जी से मिलने जाता है, तो केजरीवाल जी ये पूरे दिल्ली में ये कार्यक्रम का ओवैसी साहब का कहना है कि प्रचार आस्था जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी असल में RSS के आइडियोलॉजी पर चलने वाला पार्टी है। आप ओवैसी का स्टेटमेंट को कैसे देखते हो, और दिल्ली में केजरीवाल साहब ने सुंदरकांड का पाठ पढ़ा है बहुत जगह और खुद भी बहुत सारे फंक्शन में अटेंड खुद हो गए थे। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, पहली बात को ये मैं कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई राजनीतिक बात नहीं की है, उन्होंने सुंदरकांड किया है या हनुमान चालीसा का पाठ किया है, कोई सुंदरकांड का प्रोग्राम मतलब अटेंड किया है,
वो उनकी वो धार्मिक आस्था का मसला है, मैं मुसलमान हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, तो मेरा इसका मतलब मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हुआ, आप समझे कि नहीं, या मैं कोई मुस्लिम लीग वाला नहीं हुआ, किसी अलग पार्टी मतलब दूसरे हिस्से नहीं होता है। ओवैसी जो बात कहना चाहते हैं, देखिए ये आर्टिकल 25 ने सभी को अधिकार दिया है, इस देश के संविधान में अधिकार दिया हुआ है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, पूजा अर्चना आप इस धर्म का पालन करेंगे, पूजा कैसा करेंगे, इबादत कैसी करेंगे, ये हर इंसान को एक आप स्वतंत्र है ना, फ्रीडम है, ये हमारे एक फ्रीडम का एक हिस्सा है, हमारे को आर्टिकल 25 ने ये हमको अधिकार दिया हुआ है, मैं किस धर्म को फॉलो करूंगा, मैं किस तरीके से पूजा अर्चना करूंगा, मैं उपासना कैसे कर रही, उपासना पद्धति मेरी क्या होगी, ये मैं तय करना, ये मेरा पर्सनल मामला है, ये यहाँ पे राजनीति का मसला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का आयोजन जहाँ पे आयोजन हुआ था वहां पे अगर वो गए और उन्होंने अगर कहा है कि भाई सारे दिल्ली में अगर इस तरीके से आयोजन होना चाहिए, तो इसमें कोई मतलब बुरी मानने की बात, बुरा मानने की बात नहीं है, अलग मान। बीजेपी की बात कहाँ आई इसमें, क्या मतलब बीजेपी ठेकेदार है क्या हिंदू धर्म की? और रही बात ओवैसी, तो ओवैसी ही अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, आज ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं इस पूरे देश के अंदर। मैं अब राजनीति की बात करूंगा तो मैं आपको ये कहता हूं कि सेक्युलर वोटों को बांटने का काम असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, वो बहुत अच्छे काबिल इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहां जहां सेक्युलर वोटों का बंटवारा होने का समय आता है, तो वोटों से अगर बीजेपी को फायदा होने की बात आती है, ये वहां जाके अपने उम्मीदवार डालते हैं। ये हैदराबाद में तो अपने मतलब सीट निकाल नहीं सकते ज्यादा, हैदराबाद के बाहर इनकी कोई जगह नहीं है, फिर भी ये मतलब हैदराबाद में अगर ये अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, दो चार सीट के ऊपर ये नहीं आते हैं, ये अकेले सांसद बन के घूमते हैं, और ये सारे देश के अंदर अभी आप देख लीजिएगा जब चुनाव आएगा तो सारे देश के अंदर ये पार्लियामेंट के चुनाव में मतलब ये कैंडिडेट डालेंगे, इतना पैसा इनके पास आता कहां से है, ये कहां से लगाते हैं, और ये कैंडिडेट डाल के मतलब हासिल कुछ नहीं होता है। आपने बिहार में देखा होगा इनके वजह से नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में इनकी वजह से नुकसान हुआ, सेक्युलर वोटों को बांटने का काम ये कर रहे हैं, ये मैं कहता हूं ये आरएसएस के खुद ये बीजेपी के खुद एजेंट है। आज पूरे देश के अंदर जितने भी ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, या शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, अलग अलग या समाजवादी पार्टी या आरजेडी होगा, सभी पार्टी के नेताओं पे ईडी का इंक्वायरी लग रही है। आज तक ओवैसी की क्यों नहीं इंक्वायरी की जा रही है, आप बताइए ना। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं, देशमुख साहब, ओवैसी साहब का ये कहना है, ओवैसी साहब का ये कहना है कि भाई हमने तो बहुत बात करी इंडिया अलायंस के साथ, हमने तो बहुत उनको कॉल भी छोड़े, बहुत हिंट भी दिए कि भाई हम आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन वो हमें अछूत समझते हैं, तो हम क्या करें? देशमुख साहब, अछूत समझने का सवाल नहीं है, पहले बात तो आप आपका जो एजेंडा है, हिडन एजेंडा है, उसको छोड़ दो और खुल के आइए, आइए ना, मैं कहता हूं उनमें काबिलियत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप गलत जगह पे हो, गलत लोगों का साथ देते हो, और ऐसा नहीं है, देखिए भगवान राम हो या हनुमान जी हो, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी निजी जागीर नहीं है, ऐसा है क्या? और आपने जब अभी कहा कि राम आएंगे, 500 साल से मोदी जी इंतजार कर रहे थे, ये मजाक बना के रखा है हा? अरे भाई इस देश के आप उपवास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपने देखा होगा मेरे मैं आपको बताता हूँ नंबियार साहब और बजाज साहब जी, मेरे ज्यादातर साथी जो है वो हिंदू समाज से हैं, मेरे साथ में उठने बैठने वाले लोग हैं कई ब्राह्मण समाज के लोग, मैं हमेशा देखता हूँ ये वो पूजा पाठ करते हैं, रामनवमी आती है उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और मन्नतें मांगते हैं, ये तो चलता है, ये सदियों से चला आ रहा है, ये कौन सी नई बात करते हैं? ये सिर्फ इनको मालूम है, नरेंद्र मोदी जी ये जानते हैं कि मैंने 10 साल में पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया। आप एक सोचने की बात है, आज 1947 से लेकर 2013-14 तक का 54 लाख करोड़ का कर्जा था इस देश के ऊपर, आज 205 लाख करोड़ का कर्जा हो रहा है, क्या ये देश की इनकी हुआ, ये नरेंद्र मोदी जी की यही उपलब्धि है? मोदी जी का कहना है, देशमुख जी, मोदी जी का कहना है कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोग लटकाया और मोदी जी ने प्रॉमिस पूरा किया, मोदी जी ने सपना साकार किया। आज शोलापुर में थे, करीबन 15,000 घर, 15,000 घर उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, इनॉग्रेशन आज, और बोला कि मैं ही शिलान्यास कर रहा हूं और मैं ही चाबी देने आऊंगा, वो सपना पूरा कर दिया आज मोदी शोला, और मोदी जी शोलापुर में रोने भी लगे, आंखों में से आंसू आए, आंखों में से आंसू इसलिए आए कि बोले काश
मेरे बचपन में कोई ऐसे मुझे घर देता, तो उन्होंने एक ही लाइन में कहा कि मैं ही कर रहा हूं, बाकी पिछले किसी ने ये सपना देखा नहीं ना पूरा किया, जब सपने ही सोचे नहीं कहां से पूरा करेगा। तो देशमुख साहब जो भी अटल सेतु जवाहरलाल नेहरू के समय से सोचते आए, मनमोहन सिंह जी ने टेंडर भी निकाले, मोदी जी ने 2016 में इनॉग्रेशन किया और चालू किया अटल जो है, तो आप हर अटल सेतु, तो राम मंदिर हो गए, अटल सेतु हो गए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 27 साल से सब सोचते रहे, मोदी जी ने 2 दिन में, मोदी जी का कहना है, बीजेपी का कहना है, मगर हम लोग जब बीजेपी और मोदी साहब कहते हैं तो दिख रहा है ना, कैसे इसको नजरअंदाज करें देशमुख साहब? ऐसा है, पहले मैं सोलापुर की बात पे आता हूँ। हाँ, आपने जो कहा ना कि सोलापुर पे आज 15,000 लोगों को चावी दी गई है, 15,000 घर अभी बन रहे हैं, इसका पूरा क्रेडिट जो है वो जो नरसैया आराम जो वहां के विधायक कम्युनिस्ट पार्टी के है ना, XMLA और जिन्हें आराम मास्टर कहते हैं, ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है, जो अनऑर्गेनाइज मतलब स्किल के जो वर्कर्स होते हैं, असंगठित कामगार जो बीडी कामगार है, उनके लिए उन्होंने ये योजना 2009 में लाई और इस पहली बार केंद्र सरकार में सैंक्शन मिला था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे उनके नेतृत्व, उन्होंने इसे ग्रीन सिग्नल दिया था। ये प्रपोजल को अप्रूवल देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और उनके समय में ये प्रपोजल अप्रूव हुआ था। तो लेकिन तभी बनना चाहिए था ना सर, बना तो अभी मोदी जी वही कहते हैं कि आपके वक्त जो है वो क्या है, वो फाउंडेशन स्टोन लग जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, देखिए ऐसा है सर, देखिए हमने शुरुआत तो की जी, जब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसकी शुरुआत की वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको उन्होंने अप्रूवल दिया, तभी तो ये जाके काम पड़ा था, बीच में थोड़ी रुकावट आई। उस वक्त शरद पवार जी जो अभी मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस के मतलब नेता है, उन्होंने मतलब नरसैया आराम जी खुद बताएंगे, उनको साथ में ले जाके दिल्ली में बैठ के बात की थी और फिर पृथ्वीराज चव्हाण उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनसे बातचीत करके ये डिसाइड किया गया था कि मतलब उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है 2,50,000 रुपया मतलब ये देगी, 2,50,000 रुपए का मतलब सब्सिडी देगी और स्टेट गवर्नमेंट 1,50,000। अब इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है सर, जो है अब इसके ऊपर 1,00,000 रुपया जो है वो उस, अब इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है महमूद देशमुख साहब, लेकिन एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गरीब से गरीब लोगों के लिए काम कर रही है वो काबिले तारीफ है, और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है, और हम सब लोग आपके साथ हैं, आप इसी तरह काम करते रहे, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू, हम बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं अपने आप को जब हम आप लोगों को देखते हैं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में, भगवंत मान साहब पंजाब में, यहाँ पर आप हो गए, आपके संदीप काटके साहब हो गए, प्रीति शर्मा मेनन जी हो गई, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, इसके बावजूद कि ना जाने कितनी धमकियां आपको आईं, ना जाने कितने प्रलोभन आपको दिए गए, उसके बावजूद आप बिल्कुल वैसे ही डटे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये जंग को आप जारी रखेंगे। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ओवैसी साहब कहते हैं कि भाई हम बीजेपी के ब्यूटी में, आज अगर इस देश में सबसे ज्यादा अगर परेशान किसी को किया जा रहा है तो वह आम आदमी पार्टी के नेताओं को किया जा रहा है, आज वो मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह जी हो या अरविंद केजरीवाल जी, है ना, चौथा या पांचवा समन भी उनको आ चुका है, ये मतलब एक साफ साफ और गुजरात में गुजरात में वसावड़ा जी हो, वो भी वसावड़ा जी को, वो भी है ना, मैं वही कहता हूँ ना कि ओवैसी जी ने अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए, अगर वो एक सच्चे मुसलमान है, मैं ये कहता हूँ आइए ना वो खुलकर बोलिए कि भाई आप अगर अपने हैदराबाद में कुछ नहीं करते क्यों मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं, मुसलमानों की भावनाओं को भड़का कर तब तक रोटी सेकोगे राजनीतिक तौर, अब कोई काम अब कोई भड़कने वाला नहीं है, छोड़िए ना वो भड़केगा, इनको लोगों ने पहचान लिया, अरे वो वक्त गया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को हमारे मुस्लिम कौम ने पहचान लिया, अब इनके जासे में कोई नहीं आएगा, दुरुस्त बात, आई एग्री विद यू, इनके जासे में कोई नहीं आएगा। देशमुख साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच सर, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल टॉकिंग टू यू, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, थैंक यू, जय भीम, जय भीम, हर हर महादेव, थैंक यू सो मच सर।
ओके सर, ओके बाय, थैंक यू. महमूद देशमुख साहब, वेरी वेरी पैशनेट अबाउट द आम आदमी पार्टी. बिल्कुल. एंड रियली एंड ट्रूली स्पीकिंग, आम आदमी पार्टी इज द ओनली पार्टी व्हिच इज एक्चुअली वर्किंग फॉर स्लम डवेलर्स इन महाराष्ट्र एंड इन मुंबई. एवरीबॉडी सीम्स टू हैव फॉरगॉटन अबाउट देम. दे आर द फॉरगॉटन पीपल. पीपल रिमेंबर देम ओनली एट द टाइम व्हेन दे नीड देयर वोट्स. दैट्स इट. आई मीन कम ऑन, यू गॉट टू वेक अप गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी. यू हैव टू वेक अप टू द फैक्ट दैट दीज आर ऑल्सो आवर पीपल. अरे हमारे लोग हैं ये. आपके घर के अंदर जो मेहतरानी काम करती है, जो नौकरानी काम करती है, आपका जो ड्राइवर है, आपके जो बाकी जितने भी हॉस्पिटल में जो क्लास फोर का स्टाफ है, प्रदीप जी, दे ऑल कम फ्रॉम द स्लम्स. व्हाट आर यू गोना डू आफ्टर यू डिस्ट्रॉय देयर हाउसेस? वेयर आर दे गोना गो? कहां जाएंगे लोग? क्या चाह रहे हैं आप? क्या आप इनसे चोरी करवाएं, डकैती कराएं, ये चाह रहे हैं आप? इन एनी इवेंट, आई थिंक दैट सब्जेक्ट कैन गो ऑन. लेट्स मूव ऑन टू समथिंग नाइसर. लेट्स मूव ऑन टू समथिंग गुड, समथिंग नाइसर.